में आप दिखते जा रहे हैं और सहयोग में पीछे ना हो, सहयोग में आगे आवे। मैं तुरंत 2 मिनट के लिए आदरणीय शिवराम जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। आवे 2 शब्द अपने 2 मिनट में, समय बहुत कम है। आदरणीय दिलीप दास जी के पास भी तमाम लिस्ट है और वो कार्यालय कहां गया? श्री शिवराम सिंह जी, सबसे निवेदन है उठेंगे नहीं, उठे यदि प्यास लगी है तो भी ना उठेंगे, 2 मिनट केवल। और आरती की शिकायत रहती है कि चैनल पे आरती नहीं देखा, इसीलिए मेरा प्रयास रहा है कि आरती भी हो जाए। आगे 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 व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। इतने अमृत कथा सुन रहे थे, बीच में बोलने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन महाराज जी ने फिर भी बुला लिया। ये अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। महाराज जी कोई राष्ट्रीय कथाकार नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, जो भी यहाँ बैठा है इस कल्प वृक्ष के नीचे वो सभी सौभाग्यशाली हैं, और जो नहीं आया, अड़ोस पड़ोस में कोई है तो उसको लाइए और अपने बच्चों को जरूर लाइए। तमाम कथा के माध्यम से महाराज जी ने आपको सावधान कर दिया कि बच्चे कैसे होने चाहिए, कैसा संस्कार होना चाहिए। अब वो सब इसके माध्यम से नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपको सावधान जरूर किया है, माताओं को सावधान किया है, पुरुषों को सावधान किया है। मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने परिवार को तो नहीं ला सका आज, जल्दी जल्दी बहुत भाग आया, कई दिन से नहीं आ पा रहा था, तो आप सब लोग अड़ोस पड़ोस के लोगों को लाइए। ये जो संख्या है, ये इतनी संख्या तो हर मोहल्ले की हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी कथा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय कथा हो रही है और 145 देशों में इसको देख रहे हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं आप, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और मैं तो चाहता हूं कि हर वर्ष महाराज जी की कथा हो, सबके सहयोग से हो, सभी लोग जितने बैठे हैं सब जोड़िए सबको। ये कथा बहुत अच्छी कथा है, इतनी संस्कारवान कथा है, अगर हम अपने बच्चों को लाएंगे जो 12 से 18 साल 20 साल के हैं, जिनके अंदर कोई भी दुर्गुण आ गया, सिगरेट खाने लगे, गुटखा खाने लगे, काले नहीं जाते हैं, वो यहाँ आएंगे तो संस्कारवान बन जाएंगे, आप विभागशाली हो जाएंगे, बच्चे अच्छे काम में पढ़ाई में लग जाएंगे और अच्छे निकलेंगे। माता पिता का संस्कार उनके ऊपर जो पड़ा है वो उन्हें आगे ले जाएगा, महाराज जी की कथा उनको सबसे आगे ले जाएगी। कम से कम आपके बच्चे आपके पैर छूना जान जाएंगे, अन्यथा बाई बाई गुड मॉर्निंग यही करते रह जाएंगे। और महाराज जी ने कहा था कि डैडी कहेंगे, पिता नहीं जानेंगे कौन होता है, पिता का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति, ये आपके पुत्र सीख जाएंगे। और महाराज जी एक ऐसा संकल्प ले लिए हैं अयोध्या में कि जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, वो कहीं दिखाई पड़ते हैं बर्तन धो रहे हैं, अच्छे हैं, पढ़ नहीं पाए, उनके ऐसे बच्चों की व्यवस्था, पढ़ने की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जो वृद्ध हैं, जो घर में जिनका तिरस्कार होता है बच्चे उनको, या बहुएं जो आती हैं उनका तिरस्कार कर देती हैं, देखना नहीं चाहती, पानी नहीं देना चाहती, खाना नहीं देना चाहती, ऐसे लोगों की भी व्यवस्था महाराज जी इस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अयोध्या में एक बहुत बड़ा संकल्प करके आश्रम बना रहे हैं। लेकिन आश्रम कोई महाराज जी के खेती तो है नहीं, या कोई नौकरी नहीं करते हैं, इसी अपनी कथा के माध्यम से जो भी कुछ बचता है वहां लगाते हैं, लोगों से कहते हैं सहयोग करो। हम आपसे अपील करते हैं, जिसकी जो श्रद्धा हो महाराज जी को, रसीद है महाराज जी के पास, आप लोग कटवाइए और वहां दान दीजिए, आश्रम को बनवाइए, जब आवश्यकता होगी आप आश्रम में जाएंगे अयोध्या तो वहां आपको रहने का स्थान देंगे, महाराज जी खाने देंगे, खाना देंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है इन्हीं शब्दों के साथ। वाह वाह, कार्यक्रम बढ़ाएं, धन्यवाद।
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आज पंचम की पंचम दिवस की कथा को विश्राम दिए पूज्य व्यास जी महाराज।